हेलो बच्चों अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू शाहिद सर्ज एजुकेशन पॉइंट अगेन दिस क्लास इज़ फॉर क्लास थर्ड सेमेस्टर एंड माय डियर टुडे आवर टॉपिक इज़ कल्चर फेयर टेस्ट आज हम ये टेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं इसके बाद हम और एक टेस्ट आपको बताएंगे दैट इज़ परफॉर्मेंस टेस्ट जिसमें हमें बट बैटरी का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है ठीक है वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी तो इतने सारे पॉइंट्स हैं खाली पाँच पॉइंट्स यार आपको याद रखने हैं किसमें कल्चर फेयर टेस्ट में हमेशा याद रखना जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले लिखो तो उसके बाद आप कल्चर फिर टेस्ट के बारे में लिखना शुरू करो ठीक है तो अगर ये क्वेश्चन ये आ, मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर आ सकता है क्योंकि मैंने दो चार किताबों में पढ़ा है तो वहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन जो है पाँच या छः पॉइंट्स में है ठीक है तो मैंने भी वही पाँच पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताए हैं ठीक है अब बताऊंगा इंशाल्लाह डरने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा बिल्कुल सिंपल है पाँच पॉइंट इजीली आपको याद रखेंगे आपको याद रहेंगे और आपको याद रखना है करेंगे भी क्या तो आपको याद रखना है तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूरी है आप मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो किया वेरी गुड और लास्ट में लास्ट में अभी नहीं लास्ट में अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा बाकी बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा थैंक यू मेल ब्लेस यू ओके नाउ कमिंग टू दैन कमिंग टू द टॉपिक नाउ व्हाट इज़ टूडे इज़ टॉपिक माय डियर टुडेज़ टॉपिक इज़ कल्चर फेयर टेस्ट कल्चर फेयर टेस्ट अगर आपको बेटा याद होगा मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो तीन किस्म के हैं वर्बल नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस वर्बल में हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं नॉन वर्बल में हम लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो देयर आर सम साइंस एंड सिम्टम्स इन इट सॉरी साइंस एंड सिम्बल्स का हम इस्तेमाल करें करते हैं इसमें ठीक है तो ये जो कल्चर फेयर टेस्ट है ये क्या है इट्स अ नॉन वर्बल टेस्ट बट माय डियर मैंने और एक क्लास क्वेश्चन आपको बताई या तो हम टेस्ट इंडिविजुअल पे अप्लाई करेंगे दैट इज इंडिविजुअल टेस्टज और ग्रुप टेस्ट कल्चर द पीपल दैट इज इट्स अ ग्रुप टेस्ट और ग्रुप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएंगे कि ग्रुप टेस्ट जो नॉन वर्बल का और एक एग्जाम्पल ग्रुप टेस्ट में मैंने आपको बताया वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो सॉरी वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ठीक है हां तो एग्जाम्पल हां मैं आपको बताना है दूसरी एग्जाम्पल क्या है मतलब ग्रुप नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट की दूसरी एग्जाम्पल क्या है मैंने ऑलरेडी वो पिछली वीडियो में बताया है अगर आप लोग अच्छे से मेरे वीडियोस को देखते हो मेरे लेक्चर्स को देखते हो तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट राइट तो चलते हैं बेटा पांच पॉइंट्स पे है खाली पांच पॉइंट्स लिखना है तो अगर ये क्वेश्चन आता है पांच ही पॉइंट्स लिखो यू विल गेट इनशाला फुल मार्क्स राइट तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे यहां पे, जो दिस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाई आर बी कटेल तो ये टेस्ट जो है किसने का मतलब डेवलप किया है आर बी कटेल ने कब इन 1961. और इस टेस्ट को हाँ दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट दिस टेस्ट इज अ नॉन वर्बल बट ग्रुप टेस्ट इट इज नॉन वर्बल बिकॉज वी डोंट मेक यूज ऑफ द लैंग्वेज एंड वी अप्लाई दिस ऑन इलिटरेट्स तो नॉन वर्बल टेस्ट में मैंने क्या कहा था नॉन वर्बल टेस्ट इज ए दैट टेस्ट विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेड ऑन द इलिटरेट्स एंड इन विच वी डोंट मेक यूज ऑफ द लैंग्वेज इधर ऑरल और रिटन वर्बल में हम क्या करते हैं वर्बल में हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको मतलब लंबा होने के लिए आप ये भी लिखते हो नॉन वर्बल का मतलब है वी डोंट हियर मेक यूज ऑफ द लैंग्वेज बट वी मेक यूज ऑफ द एलिमेंट्स वी मेक यूज ऑफ द साइंस एंड सिम्बल राइट ओके

ये याद रखेंगे और ये भी आप इसमें लिख सकते हैं ओके okay, तो इंपॉर्टेंट जो है फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट इज द टेस्ट हैज थ्री स्केल्स एंड कैन बी एडमिनिस्टर्ड ऑन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। मैंने सी ओब्लिक ए लिखा सी फॉर चिल्ड्रन एंड ए फॉर एडल्ट। आप ये आराम से लिख सकते हो बेटा तो ये जो टेस्ट है इस टेस्ट के अंदर कितने स्केल्स हैं तीन स्किल्स हैं जो हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं किन पे चिल्ड्रन पे भी और अडल्ट भी ठीक और जो स्केल ए है फर्स्ट स्केल किन के लिए है जो बच्चे चार से आठ साल तक होंगे उन पे हम स्केल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्केल टू का जो इस्तेमाल होता है ना वो किन पे होता है जो आठ से लेकर पंद्रह साल के बच्चे होंगे तो आठ से लेकर पंद्रह साल के बच्चों पे हम कौन सी स्किल अप्लाई करेंगे नंबर सेकंड एंड माय डियर थर्ड जो है, इट कैन बी अप्लाइड मोर देन फिफ्टीन इयर्स। तो जो फिफ्टीन इयर्स अब होंगे तो उन पे हम कौन सी स्किल इस्तेमाल करेंगे थर्ड स्केल तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस टेस्ट में बेटा तीन स्केल्स है और ये तीन स्केल्स हम चिल्ड्रन पे भी और पे भी अप्लाई और एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं ठीक है फिफ्थ पॉइंट वेरी क्लियर जो टेस्ट है इट मेजर्स जनरल मेंटल एबिलिटी फैक्टर तो जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर मेजर करता है और इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं 30 से 60 मिनट्स लगते हैं 30 टू 60 मिनट्स लगते हैं इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने में ठीक है तो द टेस्ट मेजर जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर एंड कैन टेक 30 टू 60 मिनट्स टू एडमिनिस्टर सो डियर दीज आर फाइव पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर वाइल यू आर डीलिंग विद वट टेस्ट कल्चर फेयर टेस्ट सो दिस इज अनदर टेस्ट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वट इज नेक्स्ट परफॉर्मेंस टेस्ट सो हेयर वी आर ओके ना यू कैन सी वी हैव अनदर टेस्ट दैट इज परफॉर्मेंस टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट की जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना वो बाटिया बैटरी टेस्ट है बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो बैटियाज बाटियाज बैटरी टेस्ट है लेकिन बाटिया बैटरी टेस्ट को पढ़ने से पहले इसमें कितने एलिमेंट्स है कितने आइटम्स है इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस हालांकि मैंने ऑलरेडी परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताया लेकिन यहाँ पर मैंने और एक दो पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको बिल्कुल मतलब ईजिली समझ आएंगे अ परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब क्या है अ परफॉर्मेंस टेस्ट इज वन इन विच सब्जेक्ट सब्जेक्ट का यहां पर मतलब है कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो बच्चा हो अडल्ट हो राइट इन विच अ सब्जेक्ट हैज टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी और हैज टू मैनुपलेट कंक्रीट मटीरियल तो जिसमें मैंने आपको कहा था आई हैंड कोऑर्डिनेशन फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को कोई चीज़ दो क्यूब्स दो ब्लॉक्स दो वो उनके साथ खेलेगा मगर वो जो आप ब्लॉक्स कंक्रीट मटीरियल होना चाहिए जो बच्चा खुद मैनिपुलेट करेगा उसको हाथों में लेगा बहुत सारे डिज़ाइन बनाएगा तो इसका मतलब है बच्चा परफॉर्म कर रहा है जितना जल्दी वो परफॉर्म करेगा उतना हमें पता चलेगा कि बच्चा जो है वो एफिशेंट है ठीक है तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट है और ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट है ना बेसिकली ये किन पे अप्लाई होता है बेटा याद रखना दिस टेस्ट कैन बी यूज फॉर डेफ एंड डम पीपल इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर इलिटरेट्स एंड एंड मेंटली डिफिशेंट चिल्ड्रन उन पे भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं राइट इसमें एक्टिविटीज वर्बल भी हो सकते हैं नॉन वर्बल भी हो सकते हैं इसका कोई इशू नहीं है तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टेस्ट इज भाटिया बैटरी टेस्ट राइट right? तो जो भाटिया बैटरी टेस्ट है जाहिर सी बात है दिस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाई चंद्रमोहन भाटिया अब ये बैटरी का मतलब क्या है बैटरी का मतलब है इसमें बहुत सारे टेस्ट लगे देखो हम सिंपली अगर हमको आपको बताएंगे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल लेकिन अगर बहुत सारे सेल्स अब कंबाइन होंगे तो इट गिव्स अस अ बैटरी तो इसी तरह इसमें अब एक ही टेस्ट नहीं होगा इसमें बहुत सारे टेस्ट होंगे और बहुत सारे टेस्ट से ही क्या बन जाती है बैटरी बन जाती है बैटरी समझ आए बेटा वेरी गुड तो इसमें आप देख सकते हैं इस ये जो चंद्रमोहन भाटिया था और हाँ इट वाज इंडियन कॉन्टेक्स्ट ये डिलिब्रेटली ए गुड अटेम्प्ट वाज डन टू सी द इंटेलिजेंस लेवल अमंग द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया तो दैट्स इस वाई चंद्रमोहन भाटिया वाज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग साइकोलॉजिस्ट हु हैज डेवलप्ड हिमसेल्फ सम डिजाइन सम पिक्चर्स इन ऑर्डर टू डेवलप द परफॉर्मेंस टेस्ट तो इन्होंने इंडियन पे वो अप्लाई किया ओके okay. तो यहां पे देख सकते हैं दिस बैटरी इंक्लूड्स फाइव सब टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है कि बाटिया बैटरी टेस्ट के अंदर कितने सब टेस्ट हैं याद रखना देयर आर फाइव ओके कौन कौन से नाम बताओ नंबर वन खोहस ब्लॉक डिज़ाइन नंबर टू एलेक्सेंडर्स पास अलाउ टेस्ट नंबर थर्ड पैटर्न ड्राइंग टेस्ट देन यू हैव इमिडिएट मेमोरी टेस्ट एंड देन यू हैव पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट ठीक है तो देखो खोस ब्लॉक डिज़ाइन बहुत सारे टेन टाइप्स ऑफ डिज़ाइनर्स देते हैं ब्लॉकस देते हैं बच्चों को देते हैं उन डिज़ाइन में क्या होता है कोई शक्ल बनी होती है उन डिज़ाइनर्स को मैचअप करना होता है हाई लेवल डिफिकल्टी लो लेवल डिफिकल्टी हाँ तो पहले सिंपल होता है फिर कॉम्प्लेक्स पैटर्नस बनाए जाते हैं तो इससे क्या वो परफॉर्म करते हैं इससे उनकी एक्टिविटी में जो जितना ज़्यादा तेजी से इनको कंस्ट्रक्ट करेगा हमें पता चलेगा कि इसमें कितनी इंटेलिजेंस है ठीक है अगर आपके पास कोई भी नोट होगा ना तो वहाँ पे एक एक लाइन में उन्होंने डिस्क्राइब किया होगा कि खोस ब्लॉक डिजाइन में कितने ब्लॉक्स होते हैं इस तरह एलेक्जेंडर पास एलान टास्ट में क्या होता है एंड देन यू हैव पैटर्न इन ड्राॅइंग टेस्ट राइट इमीडिएट मेमोरी टेस्ट इमीडिएट मेमोरी टेस्ट में कोई वर्ड्स आपको दिया जाएगा पाँच छः उनको याद करना है वो कितना टाइम आपको लगेगा याद करने में और वापस रेस्पॉन्स कितना टाइम लगेगा तो ये हम किस में करेंगे इमीडिएट मेमोरी टेस्ट में तो उसके बाद आपको कोई कंस्ट्रक्शन पिक्चर दिखाई जाएगी तो पिक्चर को ब्रेक इन टू द पीसेज करेंगे फिर आपको उस तस्वीर को जोड़ना होगा आप कितनी क्विक ली जोड़ोगे तो उससे हमें पता चलेगा कि आपकी इंटेलिजेंस क्या हो सकती है तो ये दिस आर फोर एंड सॉरी इट्स फाइव इट्स फाइव तो कितने कितने सब टेस्ट से बेटा पांच है याद रखना एग्जाम में आता है कोज ब्लॉक डिजाइन एलेक्डर पासल टेस्ट पैटर्न ड्राइंग टेस्ट इमिजिएट मेमोरी टेस्ट एंड देन पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट आई होप बेटा यू हैव वेरी मच एंजॉयड द क्लास इफ रियली माई डियर देन लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप फॉलो इज लर्निंग और हा माई डियर टुमारो आई एम गोइंग टू टेक अनदर इंटरेस्टिंग यूनिट दैट इज एडुलस एंड मेंटल हेल्थ तो मेंटल हेल्थ में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने उसमें जो अक्सर एग्जाम में आता है वो है गुड डिफेंस या एडजस्ट मैकेजम भी उनको कहते हैं वो हम इनशा आगे आगे जितने भी वीडियोज होंगे इनशाला उसमें कवर करेंगे लगभग लगभग दो चार दो चार लेक्चर्स लगेंगे अभी उसके बाद जब हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद मैं आपको एक मॉडल पेपर दूंगा तो इनशाला इनशाला उसी में से लगभग लगभग 80 परसेंट आपका सिलेबस में क्वेश्चनस होंगे आई विश यू ऑल द बेस्ट माई डियर जस्ट प्रे फॉर मी एंड द ओनली थिंग दैट आई कैन एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू जस्ट सपोर्ट यूर शायद सर थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक यू एंड कीप फल इज़ लर्निंग